गदी पुत्रवधु, श्री पदमचंद गदिया श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधु, श्री नरेश कुमार श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधु एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधु एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में माँ श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज के परम पूज जगत पूज निर्यापक श्रीमान मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। इस दुनिया में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने आप में सदा से पूर्ण हैं, अनादिकाल से वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें कभी हीना दिखता नहीं होती। इनमें से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश और काल, ये सारी दुनिया में ऐसे द्रव्य हैं जो सदा बहार एक समान रहते, किंचित मात्र भी उनके स्वरूप में हीना दिखता नहीं आती, इसलिए वह अन्यथा प्रणमन भी नहीं करते, इनका विभाव प्रणमन नहीं होता, इनके कोई विकास भी नहीं होता, मात्र त्रिकालिक अपनी एक सत्ता फिक्स कर ली है वैसे रहते। जीव और पुद्गल में और पुद्गल में से भी जीव में, पुद्गल तो कभी स्वभाव कभी विभाव कभी पूर्ण कभी पूरन गलन उसका स्वभाव है, लेकिन जो अपन सब जीवात्मा हैं, इन जीवात्माएं तीन प्रकार के हैं। एक वह प्रकार जिन्होंने अपनी साधना के बल पर ऐसी दशा प्राप्त कर ली है जो सदा पूर्ण रहेंगे, पूर्णता का अनुभव कोई इच्छा नहीं है, अब इच्छाएं उनकी पूर्ण हो गई, कुछ देखना बाकी नहीं है, सब कुछ देख लिया, कुछ जानना बाकी नहीं, सब कुछ जान लिया, कुछ चलना बाकी नहीं, सब कुछ चल लिया, कुछ करना बाकी नहीं, कृत कृत हो गए, सब कुछ कर लिया। इसलिए भगवान की मूर्ति जो बनाई जाती है वो आंख झुकी हुई बनाई जाती है, जिसका प्रतीक है कि भगवान ये संकेत दे रहे हैं मुझे अब कुछ नहीं देखना, मैंने सब कुछ देख लिया है। पलौथी बनाकर बनाई जाती है मूर्ति जो ये संदेश देती है मुझे अब कहीं नहीं चलना है, मैं सब कुछ चल चुका,
हाथ पे हाथ रखे बनाई जाती है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ कर चुका हूं, पूर्णता का आनंद। आनंद कुछ नहीं है बंधु, अधूरापन। कितना भी व्यक्ति कितनी भी सुख सुविधाएं पाल ले, लेकिन उसको अभी ये भाव आ जाए अभी कुछ और चाहिए। सब दुख सुख खत्म हो गया, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तीन लोक का पूरा राज्य भी मिल जाए और मन में एक भाव आ जाए कुछ और हो, तो कभी सुखी नहीं रहेगा। कुछ और जो शब्द है ये इतना खतरनाक है, ये दुख देवे या न देवे सुख को समाप्त कर देता है। कुछ और सुख को समाप्त कर दिया, कुछ और देखूं जो दिख रहा है उसका आनंद खत्म कर दिया, कुछ और खाऊं जो खा रहा है उसका आनंद खत्म कर दिया, कुछ और करूं जो कर लिया उसका आनंद खत्म कर दिया, कुछ और प्राप्त कर लूं जो पा लिया उसका आनंद खत्म कर दिया। दिवाली के दिन सब लोग दुखी होंगे, सब लोग दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि अगली साल का शगुन उठा रहे होंगे, अगली साल मेरी अच्छी निकले है। दिवाली इसलिए नहीं मनाई जाती है कि अगली साल अच्छी निकले, दिवाली इसलिए मनाई जाती है इस साल मेरी अच्छी निकली आनंद के लिए। यही तो चूक हो रही है हमारे, हमने जो साल निकाला उसका आनंद नहीं आ रहा है मुझे, बस चिंता पड़ी अगली साल कैसी हो। अगली साल के लिए दीप जलाएंगे, अगली साल की पूजा करेंगे, अगली साल जो है जो साल मिला था उसका आनंद, उसके आनंद के लिए त्योहार होता है, दिवाली होती है। जो पाया है उसका कितना आनंद है, जो पाया है उसमें कितने सुखी हुए। साल भर के आनंद का संग्रह करके दीप जलाओ। खुशी होने के पहले दिवाली मनाते हैं कि खुशी के बाद? खुशी के बाद मनाते। बोले भैया दिवाली खुशी, हम तो खुशी होने के पहले मना रहे हैं अगली साल के लिए। इस साल का तो आनंद लो, दिवाली का आनंद लो, थैंक्स कहो सबको जितने को बोल सको, भगवान तुझे बहुत बहुत थैंक्स, आभार, मैं इस दिवाली पर जिंदा हूं। न जाने कितने लोग मर गए इस साल के अंदर, प्रभु मैं जिंदा हूं, प्रभु इस साल मेरा सबको ठीक रहा। दुख के क्षण मत सुनाना, कितने सुख के क्षण तुमने पाए, कितना सुख पाया उसको बस थैंक्स कह दो प्रभु को, प्रभु को, प्रभु तेरा बहुत आभार, ये दिवाली भी मैं देख सका, जो मैंने किया है साल भर में उसका आनंद बनाने का मौका मिल सका। भोजन बना लिया तुमने, खा नहीं पाए तो व्यर्थ है मेहनत। कई लोग दिन रात कमाने में लगे रहते हैं, मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं, परमार्थ की बात नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे दिन भर तुम कमाने, 24 घंटे कमाने को लगे रहते हो, कमाने का आनंद, रोटी भी नहीं खा पा रहे साता से, काहे के लिए कमा रहे हो महानुभाव, क्यों कमा रहे हो, दो क्षण शांति से तो बैठो, कम से कम भोजन करते समय तो सब कुछ मोबाइल बंद करके भोजन करो, काहे के लिए कमाया है, दो रोटी खाने का समय नहीं तुम्हारे पास। एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ हमारा आहार हुआ, उनकी पत्नी बैठी थी, वो पहले ज्यादा अमीर नहीं थे,
एक सज्जन ने पूछ लिया उनकी पत्नी से, तुमने गरीबी भी देखी है जब तुम्हारे पास कम था, आज तुम्हारे पास इतना है कि सब कुछ है, कैसा लगता है? बोले वो दिन बहुत अच्छा था, कम से कम दोनों शाम को सुबह दोनों एक साथ भोजन करते थे, क्योंकि काम ही सीमित था, जितना सीमित था उतना काम सीमित था, शाम को फ्री हो जाते थे, बैठते थे आराम से। जब से अमीर हुए हैं एक बार भी भोजन साथ नहीं कर पाते, क्योंकि इनके काम ही ऐसे। मैंने बहुत सोचा कि आज के जो बच्चे बच्चियां हैं व्यापार पसंद क्यों नहीं करते, नौकरी पसंद क्यों करते। उस दिन मुझे समझ में आई जब उनकी पत्नी ने कहा कि धन बड़ा है, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन परिवार का प्रेम टूट गया। उन्होंने एक ही जवाब किया, आप मेरे श्रीमान जी इतने बड़े आदमी हैं, इनसे इतना सा कह दीजिए, इतना कमा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कम से कम भोजन शांति से करें, भोजन के समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, खाने का भी टाइम नहीं इनके पास, मुंह में ग्रास आओ करते जाते, फोन कर जाते, इधर फोन और मुंह में ग्रास चबा दे, देख करके तरस आता है, इस कमाई का क्या करेंगे जो खाने भी नहीं दे रही है, खाने भी नहीं दे रही है। कम से कम इतना तो हो कि जिस समय मैं खाऊंगा उस समय मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, खाने का समय तो बंद हो। यदि तुमने जो कमाया उसको भोगने का भी समय नहीं है तो कमाना मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। कम से कम भोजन के समय, कम से कम परिवार के साथ उस समय तो सारे द्वंद छोड़ दो। एक बेटा चाहता है मेरा पापा कमा के आए, दो मिनट मेरे पास बैठे, दो मिनट पूछे बेटा होमवर्क कैसा चल रहा है, बेटा पूछे कि बेटा कितने नंबर आए। लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े आदमियों को देखा, उनके बेटे इस कदर से रोते, महाराज पापा को कुछ चिंता नहीं है, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, उनको कोई लेना देना नहीं है, बस कमाई कमाई। आज तक कभी पापा दो मिनट मेरे साथ शेयर नहीं कर पाए, तरसते। क्या है ये जिंदगी, क्या है ये जिंदगी? अभी मैं बताता हूं बड़े आदमी कैसे होते हैं। जिंदगी खत्म होती जा रही, सब कुछ, खाने की फुर्सत नहीं है। सबसे बड़ी बात है तो तुमने लोक व्यवहार की बात कही, ऐसा क्या तुम्हें कमाने का, ऐसा क्या पुण्य का? देखो एक अभिशाप, जिसे तुम अभिशाप मानते हो, एक गरीब को, एक दुखी को, जिसको खाने को नहीं है, वो मंदिर नहीं आ सकता, वो प्रवचन सुन सकता, वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब है, दुखी है, मजदूरी पर जाना है, कर्म का मारा हुआ है। प्रकृति कहती है कोई बात नहीं, एक गरीब भूखा व्यक्ति, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, एक्सेप्ट करना, एडजस्ट करना। एक्सेप्ट तो तुम कर लोगे, लेकिन एडजस्ट कर सको तो करने का प्रयास करना। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, परेशान था, बीमार था, गरीब था, वो सुबह से मंदिर नहीं आ सकता, क्योंकि वही उसकी मजदूरी का समय है, वही उसकी ड्यूटी का समय है। कोई बात नहीं, उसकी जमानत मैं ले लूंगा, उसका जितना भी नुकसान होगा पुण्य का मैं अपनी कमाई में से दे दूंगा, क्योंकि वो मंदिर इसलिए नहीं आया क्योंकि आज अस्पताल में पड़ा है, वो मंदिर इसलिए नहीं आया कि उसका बिजनेस सुबह का ही है, सुबह दो घंटे कर ले तो दिन भर मिल जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। कोई बात नहीं,
वो मंदिर नहीं आएगा कोई बात नहीं, वो प्रवचन सुनने आएगा कि इसी समय उसका व्यापार का धंधे का समय है, कोई बात उसको नहीं आना। मेरे से पूछेगा कोई व्यक्ति, मैं धर्मात्मा हूं, मैं धर्म का पक्ष लूंगा, ये मत समझना, मैं धर्म पर चलता हूं, धर्मात्मा हूं, लेकिन धर्म का पक्ष लूंगा ये मत मेरे से उम्मीद करना, खास तौर से मेरे से। मैं ही जीवन का मेरा आधार धर्म है, मैंने धर्म में ही सुख माना है, 24 घंटे धर्म में व्यतीत करने के लिए प्रयासरत रहता हूं, लेकिन मैं धर्म का ही पक्ष लूंगा ऐसा मत मानना। मेरे पास दो व्यक्तियों ने पूछा, दो तीन उदाहरण देके समझा दूंगा। तुम समझते हो साधु है तो साधु धर्म का ही पक्ष लेगा, धर्म की बात करेगा, भगवान के पक्ष की बात लेगा? नहीं करूंगा, मेरा नेचर अलग है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज सुबह मंदिर आऊं, वही मात वही समय मेरे व्यापार का है, मजदूरी का है, यदि एक घंटा नहीं जाऊं तो दिन भर कुछ नहीं है। मैं कहूंगा व्यापार करने जाओ। लोग ताज्जुब करोगे, महाराज आपको तो ये कहना था कि कुछ भी हो मर तो मर जा, लेकिन मंदिर आ। नहीं कहूंगा, हमारा धर्म इतना हत्यारा नहीं है, हमारा धर्म इतना निर्दयी नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे को भूखा मरे तो मर जाए, तुम मेरे दरवाजे आओ, मरो तो मर जाओ, व्यापार भूखा मरो तो मरो, लेकिन तुम सुबह मेरे दरवाजे आओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। नहीं, धर्म कहता है पहले बच्चे पालो, जाओ ड्यूटी पर। महाराज मैं आपका प्रश्न सुनने नहीं आ सकता, यही समय ठीक मेरी चाय पत्ती की दुकान है, सुबह सुबह की बिक्री है, दिन भर कुछ नहीं। मैं कहूँ जाओ चाय पत्ती बेचो, प्रवचन सुनना जरूरी नहीं। प्रवचन का अर्थ ही नहीं है कि तुम्हारे लिए बर्बाद कर दे। एक डॉक्टर ने पूछा, एक बेटे ने पूछा, महाराज सुबह सुबह ही मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर पैरालिसिस है, सुबह उनको सब कुछ करना पड़ता है और वही समय मंदिर के अभिषेक का है, महानुभाव वही समय भगवान को नहाने का समय है, वही समय पिताजी को नहाने का समय है। मैं कहूँगा पिताजी को नहा, अभिषेक के पुण्य मेरे ऊपर छोड़ दे। पिताजी को स्नान करा, प्रलसेस उनको स्नान करा, उनको वही दवाई देने का समय है, पहले दवाई दे के आ। डॉक्टर कई लोग मेरे से कहते, महाराज मैं मंदिर आ रहा हूँ अभिषेक के लिए आ रहा हूँ, आपके प्रवचन सुनने आ रहा हूँ, घर से चल पड़ा हूँ, रास्ते में समाचार आया मरीज बहुत सीरियस है, मैं क्या करूँ? मन की लौट जाओ, लौट जाओ, मरीज को देखो, पूजा कर रहे हो, 20 पूजा के अंदर फोन आया, मरीज बहुत सीरियस, पूजा छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, आओ पूजा छोड़ने का दोष कितना लगेगा, छोड़ो वो दोष, कोई ज़्यादा नहीं है, मुचलका पे छुड़वा दूंगा। वो होता है ना कुछ एक कोई ऐसे जुर्म, चालान चालान, थोड़ा वो चालान को छोड़ जा, पहले मरीज को देखो। धर्म काहे के लिए है, किसके लिए धर्म है? जो संसार को सुखी करे, जो दूसरे को सुख दे। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुखी हो तुम्हारा साथी दुखी हो, तुम सुखी हो साथी सुखी हो, सारा संसार सुखी हो, जाओ मंदिर आना जरूरी नहीं है, पहले उस मरीज के प्राण बचाओ। मैंने एक बार कहा था, धर्म की एक बहुत छोटी सी परिभाषा बता रहा हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने मिलने का समय दिया, इतने बज के इतने मिनट पर तुम चलते हुए मेरा दर्शन करोगे,
और मैं चलते हुए तुम्हें दर्शन दूंगा। मात एक सेकंड, उन्होंने वो छोटा समय कहा, समय आपको समझाने के लिए, मैं कहा एक सेकंड है, बस एक बार देख पाओगे मुझे, दोबारा नहीं देख पाओगे, एक झलक मैं तुम्हें दूंगा। जैसे भगवान महावीर से मिलने का समय दुर्लभ होता है महानुभाव, भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ, और भगवान ने दर्शन देने का समय निश्चित कर दिया और भगवान सामने आ गया, उसी समय मैंने पैर उठाया, जहां रखा वहां चींटी थी। अब एक दोनों इक्वल टाइम है, भगवान को देखता हूं तो चींटी मरती है और चींटी को देखता हूं तो भगवान गायब होता है। दो में से एक फैसला करना, भगवान को देखता हूं तो चींटी मरेगी और चींटी को देखता हूं तो भगवान गायब हो जाएगा। भगवान ने कहा, भगवान थोड़ी देर रुको, नहीं रुकूंगा, भगवान रुको, पैर के नीचे चींटी है, बोले या तो चींटी को बचा ले या मेरा दर्शन कर ले, बोल तेरा फैसला आज हो जाएगा, तू मुझे कितना चाहता है, मेरी कीमत एक चींटी है क्या, मेरी कीमत एक चींटी है क्या, एक चींटी मरी है, मर जाने दे, चींटियां तो मरती ही रहती हैं, मेरा दर्शन दे। परीक्षा थी, बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब अपना मन कहेगा, बोलो चींटी महत्वपूर्ण है कि प्रभु दर्शन। एक कैवे की बात है, कैवे की बात है, ये कहना आ रहा है, कोई नहीं छोड़ता, बड़े आदमी के लिए व्यक्ति गरीब को पैर से कुचल देता है, ये कहने में आ रहा है। यदि सही हो जाएगा तो लोग उसी तरफ दौड़ेंगे, चींटी तो मरती रहती है, उसको तो मर नहीं है, क्या काम की है चींटी, प्रभु का दर्शन। जैन दर्शन कहता है, जैन दर्शन कहता है, धर्म कहता है, देख ले महावीर स्वामी गायब हो जाएंगे, और महावीर ने अपनी वाणी में कहा, क्या कहा था, आज वो तेरे एग्जामिनर बन के आए हैं, कल वो तेरे क्लास टीचर थे। क्लास टीचर जब पढ़ाता है, हमें सब कुछ बताता है, सब कुछ सिखाता है, सब कुछ पढ़ाता है, लेकिन वही टीचर जब एग्जामिनर बन के आता है, हमसे नहीं बनता, वो नहीं बताएगा। उस समय बता रहा था, अपनी सर है, क्लास में जब हमसे नहीं बनता था तो मास्टर बता देता, यहाँ आओ मैं बता देता हूँ। पूछता था किसी से, कुछ नहीं बन रहा हो तो बोलो मैं बताऊँ, वही टीचर आज एग्जामिनर बन के आ रहा, किसी से नहीं पूछता है, किसी से कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा हो तो पूछ लो, कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा तो पूछो, नहीं पूछता, पूछने पर भी नहीं बता रहा। वही महावीर हैं जिन्होंने हमें उपदेश दिया था, संदेश दिया था, आज वो एग्जामिनर बन के आए हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में, अब तुम्हें लिखना है जो कुछ लिखना है, तुम्हें करना है जो कुछ करना है, ना तुम किसी से पूछ सकते हो, ना महावीर तुम्हें बताएंगे, वो तो एग्जामिनर बन के आए। अब महावीर जो सामने खड़े हैं, उस महावीर से प्रभावित मत होना, उनसे प्रभावित होना, जो महावीर तुम्हें पढ़ाते थे, जिस महावीर ने उपदेश दिया जब वो क्लास टीचर थे, उस समय उनकी पोजीशन को याद करो, एग्जामिनर वाला महावीर नहीं, एग्जाम देने वाला टीचर नहीं, लेक्चरर, जब हमें लेक्चर दे रहा था, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, उस समय की बातों को याद रखो, आज की बातें याद मत रखना, आज वो एग्जामिनर हैं, आज की बातों से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि तुम यहां वहां से लाओगे ना तो और वो तुम्हें खतरनाक हो जाएगा, रेस्टिकेशन कर देगा, कॉपी जब्त कर ले। उस टीचर को याद करो, बोलो महानुभाव एग्जाम के समय क्लास टीचर जो पढ़ाता था उसकी बातें काम आएंगी कि आज जो एग्जाम लेते समय बोल रहा है वो काम आएगा, दोनों व्यक्ति एक ही है,
दो व्यक्ति हैं कि एक एक, आज वो एग्जामिनर बन के आ रहा है, आज वो जो कह रहा है उससे क्या लाभ है? यहाँ वो मत देखो, चुपचाप रहो, मुझसे मेरा कल्याण नहीं होने वाला। याद करो, यही टीचर जब मुझे पढ़ाता था उसने क्या पढ़ाया, उसने क्या कहा, वो यदि याद आ गया तो अपना काम हो गया। आज महावीर एग्जामिनर बन के दर्शन देते समय जब महावीर आते हैं, एग्जामिनर होते हैं, कोई भी महान आत्मा दर्शन देती है एग्जामिनर होती है, कोई भी महान आत्मा जब आशीर्वाद देती है एग्जामिनर होते हैं, वो बहुत परीक्षा होती है। मानो कभी कोई भगवान गुरु तुम्हें आशीर्वाद दे, सावधान, एग्जामिनर है इस समय वो। जब वो तुम्हें दर्शन देवे समझ लेना वो एग्जामिनर है वो। तुम याद करो उन महाराज को जो महाराज तुम्हें प्रवचन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, उन बातों को याद करो, आशीर्वाद को नहीं। दर्शन में मत फूल जाओ, हमें भगवान का दर्शन हो गया, हमें महाराज का दर्शन हो गया, हमें भगवान मिल गए, भगवान का आशीर्वाद। बंधु ध्यान रखना, सावधान, बहुत कुछ खो दोगे तुम। हमें एग्जामिनर मिल गया, एग्जामिनर मिल गया, हाँ नहीं, उस समय याद करो इन्होंने मुझे जब क्लास टीचर थे तब क्या पढ़ाया। भगवान के दर्शन करते समय भगवान को नहीं, भगवान का उपदेश याद करो। क्लास टीचर के एग्जाम के समय एग्जामिनर को नहीं, उस एग्जामिनर जब क्लास टीचर था उसने क्या कहा। भगवान का दर्शन करते समय दर्शन में मस्त मत हो जाना, आनंद मत मान लेना, तुरंत याद करो यही भगवान जब उपदेश देते थे क्या दिया था उन्होंने उपदेश, क्या कहा था, कैसे दर्शन करना। हम नहीं कहेंगे, अब तो वो दर्शन दे रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे तुम मेरा दर्शन ऐसा करो, ऐसा दर्शन करो, अब नहीं कहेंगे। वो पहले कहा था कि प्रभु का दर्शन कैसे किया जाता है। जब महाराज हार को उठते हैं तब पूछो, महाराज आप हार में क्या लेंगे, कैसा लेंगे, खड़े होकर लेंगे, नवदा भक्ति से लेंगे, नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि अब वो किस समय निकल चुके हैं आहार के। महाराज पर उपसर्ग आ रहा है, अभी बोल दूंगा मैं, किसी महाराज पर उपसर्ग आवे तो आपको निवारण करना चाहिए, दूर करना चाहिए। अब जब महाराज पर उपसर्ग आया तो महाराज जी अब मैं क्या करूं, अब महाराज नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। महाराज प्रवचन में बोल दिया साधु पर उपसर्ग आए तो आपको कैसे भी करके दूर करना चाहिए। जब उपसर्ग चालू हो गया अब महाराज बताओ क्या करना है। महाराज शांत हो जाए, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, मरते मर जाएंगे लेकिन अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, मेरा उपसर्ग दूर करो, मेरी परेशानी दूर करो, अब नहीं बोलेंगे। इस समय उनका एग्जाम है, वो संकट उनके ऊपर आ पड़ा है। साधु के ऊपर जब भी संकट आता है वो अपने आप को एग्जाम मानते हैं, मेरी परीक्षा चालू हो गई। उनसे कभी मत पूछना, जब साधु संकट में घिरा हो तो क्या करना नहीं पूछना, बताएंगे ही नहीं। जो सच्चा मुमुक्षु था, जैनी था, उसने कहा महावीर का दर्शन और चींटी का दर्शन। महावीर ने क्या कहा था उपदेश में, दर्शन परम धर्म है कि अहिंसा परम धर्म है, अब देखना। महावीर ने हमें जब पढ़ाया था, जब उपदेश दिया था, तब उन्होंने क्या कहा था, दर्शन परम धर्म है या अहिंसा परम धर्म है? अरे उन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। और क्या कहा था, भगवान के दर्शन से क्या मिलेगा, पुण्य, भक्ति, वैभव, सुख। भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोगता खत्म हो जाएगी, यही ना सब अपेक्षाएं हैं।
भगवान को देखेगा तो मात भक्त मिलेगा, मात प्रसाद मिलेगा। रिपीट करता हूं, भगवान के दर्शन करने से मात प्रसाद मिलेगा, भक्त कहलाएगा। और यदि चींटी को बचा लिया तो तू स्वयं भगवान बन जाएगा। भगवान के दर्शन करने से भक्त बनोगे और चींटी को बचाने से भगवान बनोगे, दोनों में से क्या ठीक है? है भगवान बने रहना। जैन दर्शन, महावीर इतने निर्दयी नहीं है कि वो अपने दर्शन के लिए चींटी को कुचलवा दे अपने भक्त से। महावीर कहते नहीं बेटा, चींटी को पहले बचा, मेरे दर्शन से चूक जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चींटी को चूक जाएगा तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाए। यह है जैन दर्शन। इसलिए ये मत समझना कि मैं धर्मात्मा हूं तो धर्म की ही बात करूंगा। धर्म तो पता नहीं कहां 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 कहां। तो कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों में दुख के मारे, आफत के मारे धर्म नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका अपना मुख्य विषय था। एक व्यक्ति मंदिर इसलिए नहीं आ पा रहा है, वो गरीब तो इसलिए नहीं बैठ पा रहा है कि मजदूर है, एक साथ खा ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कर्म का मारा है। लेकिन एक इतना अमीर आदमी है, सब कुछ है, वो इसलिए मंदिर नहीं आ पा रहा है कि उसका सुबह से व्यापार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्यापार। सुबह से फोन आना शुरू है, चारों तरफ व्यापार फैला है। वो परिवार के साथ इसलिए रोटी नहीं खा सकता है क्योंकि उसका बहुत व्यापार धंधा बहुत बड़ा है, उसको कहाँ इतना टाइम है। वो रोटी एक आध घंटे यदि भोजन करने में लगा दे तो उसको तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आध घंटे में वो करोड़ों कमाता है, इसलिए वो रोटी बिना मोबाइल के रोटी इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि उसकी कमाई बहुत है, बहुत कमाई है। आध घंटे की कमाई महाराज कबाड़ा हो जाएगा। महानुभाव, इसको वरदान मत मांगना, ये प्रकृति का, तुम्हारे भगवान का, तुम्हारे गुरु का, तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रकृति ने कहा इसको मंदिर जाने से रोकना है। गरीब को तो रोक दूंगा, उसको तो ऐसी मुसीबत ढा दूंगा कि वो मंदिर जा ही नहीं पाएगा। गरीब को रोकने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, गरीब को कहीं भी रोक दो, एक आंख दिखा दो रुक जाएगा, एक डंडा मार दो दुख जाएगा, एक परेशानी डाल दो गरीब सारी चौकड़ी भूल जाता है। लेकिन इसको नहीं कर पाऊंगा, इसने तो बहुत कमाई कर ली है, इसने तो पुण्य कमाया है, लेकिन ये मंदिर में जाने लायक नहीं है। भगवान ने फैसला किया या कर्म ने, अपनी भाषा कुछ भी समझ लेना, भगवान ने फैसला किया ये पापी जीव है, ये मेरे मंदिर में नहीं आना चाहिए, ये पापी जीव है मेरे चरण न छू ले वे, ये पापी जीव है मेरा अभिषेक न कर ले वे, इसको तो कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि बड़ा आदमी है, प्रभाव है इसका। अब कुदरत कहती, भगवान कहता है इसको ऐसा ऐसा उलझाओ व्यापार में, ऐसा उलझाओ कि इसको मंदिर में आने का समय ही नहीं रहे, समय ही नहीं रहे इसको, इतना उलझा दो। चलते चलते उसको 10 फोन करवा दो, चलते चलते 10 काम लगा दो, ये जब तक मंदिर पहुंचे अभिषेक हो गया होगा, मार्जन हो गया होगा, कबाड़ बंद हो गए, ये यही तरीका इसके लिए रोकने का है। ये बहुत बड़ी मोनोपोली है धर्म की, प्रभु की, रोको इसको। दूसरा, वैसे भी ये नहीं रुकेगा, आएगा तुरंत जाकर इसकी बुद्धि में सरस्वती बैठती है और उसको नास्तिक बना देती है।
इसको नास्तिक बना दो, इसके मुख से करवाओ धर्म और कुछ नहीं होता। क्या रखा है मंदिर में, क्या रखा है इसमें, क्या रखा, मैं कुछ को नहीं मानता धर्म को, बस मामला हो गया, मामला सुलट गया। अब वो मंदिर आई गई नहीं, कुंभकर्ण के साथ हुआ ना, कुंभकर्ण पापी जीव था, वैष्णव दर्शन के अनुसार वो राक्षस था, मांसाहारी था। उसने एक विद्या सिद्ध कर ली, देवता सिद्ध हो गए। वो मांगना था वरदान इसको कि मैं 6 महीने जागूं और एक दिन, मामला उल्टा हो गया, सारा ब्रह्मांड कांप गया। कुंभकर्ण 6 महीने जाग जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, सारा संसार मिटा देगा कुंभकर्ण। तुरंत सरस्वती ने प्रवेश किया उसके दिमाग में, और जब वरदान मांगने की बात आई तो तुरंत कहा मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन। यही स्थिति बनती है, गरीब आदमी नास्तिक नहीं होते, बड़े आदमी होते हैं। बड़े आदमी नास्तिक होते हैं, इनके धर्म पर विश्वास नहीं होता, ये परमात्मा पर कोई विश्वास नहीं करते बड़े आदमी, गरीबों में नहीं। मैंने देखा है एक गरीब को मैं धर्मात्मा बनाने में मुझे 5 मिनट लगते हैं। जो दुख का मारा आता ना, उससे कहना कि भाई तुझे कल से अभी से कहना, वो जी मैं अभी पूरे कह नहीं पाया। एक कर्म का मारा हुआ व्यक्ति, दुखी व्यक्ति से धर्म कराना कोई बड़ी चीज नहीं है, 5 मिनट लगते हैं। लेकिन एक अमीर आदमी को, जिसका चारों तरफ अमीरी है, को पूरे 4 महीने लग जाए, 4 महीने तो छोड़ो, पूरी जिंदगी में कहूं से हम अभिषेक का लोटा ना दे पाए। जिंदगी में अमीरों को लोटा नहीं दे पाए, जिंदगी को अमीर में मंदिर ना बुला पाए, जिंदगी में कभी कोई धर्म शास्त्र का स्वाध्याय ना करा पाए, जिंदगी में कभी बड़े आदमियों के बच्चों को भी हम मध्यम वर्ग वाले गरीब लोग संस्थान में खूब जा रहे हैं। सांगानेर संस्थान को तुमने देखा अभी 10 दिन में, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा ना, बोलो वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे कान पक गए हैं 10 दिन से सुनते सुनते, मैल भी आ गया थोड़ा सा, आपकी आवाज़ें सुन सुनकर महाराज बहुत 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 बहुत, कान थक चुके हैं, बहुत थक गया हूँ, प्रशंसा सुन सुन करके सारे भारत से प्रशंसा हो गई। जो देखो वही प्रशंसा कर रहा है, मैं प्रशंसा सुन सुन के थक गया हूं। एक बार और बोल दो, कोई बात नहीं। वो बच्चों ने जो किया, संस्थान अच्छा है बुरा, बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे हैं कि नहीं, बस बस एक और, तुम्हारी ये बात साची है कि झूठी है, ये साची है कि झूठी है क्या पता, आजकल कोई भरोसा नहीं। हर व्यक्ति अदालत में कहता है गीता को हाथ लगाकर, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हें एक तो झूठा है ना, दोनों पकड़ते हैं साथ कि एक पकड़ता है, दोनों में से एक तो, यानी 50% तो झूठे हैं। आज मैं तुमसे पूछता हूं, संस्थान अच्छा है, वहां की पढ़ाई अच्छी है, देख लिया सैंपल, अब ललितपुर के जितने बड़े आदमी हैं वे अपने बेटा बिटिया को सांगानेर संस्थान में पढ़ाएंगे, बड़े गरीब नहीं, गरीब नहीं, बड़े आदमी जितने हैं, जितने बड़े बड़े लोग, बड़ों की लिस्ट बनाओ, इनकम टैक्स के लिए नहीं बना रहा हूं, जितने बड़े आदमी उनके सबके बच्चे सांगानेर में पढ़ेंगे, बच्चियां संस्थान में पढ़ेंगे। आपने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पुरस्कार भी दिया आप लोगों ने, लेकिन कभी ये सोचा जब अच्छा है तो बेटा बिटिया को क्यों नहीं? या तो ये प्रशंसा झूठी है, या आप अपने बेटा बिटिया के दुश्मन हैं, बाप बन के आए हैं, माता बैरी पिता शत्रु, ये न बालो पाठिता, जान रहे हैं कि अच्छा संस्कार है, अच्छी जिंदगी है, उसके बावजूद भी तुम बेटा बेटिया को नहीं कर रहे हो, या तो तुम्हारे लिए प्रशंसा झूठी है, घड़ियाल है, और या फिर तुम अपने बेटा बेटिया के बाप बन गए नहीं हो, पूर्वभाव के बैरी हो।
पूर्व भाव का बैरी बाप कैसे भेज देगा अच्छे स्थान पर, उसको तो बर्बाद करना है, उसको ऐसे स्थान पर भेजेगा जहां दुर्गति हो, देरी हो ना तुम पूर्व भाव के। आज फैसला कर लेना, जो जो जहां जहां बैठ के लाइव में सुन रहे हो, 10 दिन भी आपने सुना देखा, यदि तुम्हें थोड़ा भी ऐसा लग रहा हो अंदर से प्रशंसा की है, तो फैसला कर लेना हम अपने बेटा बिटिया को भी हम तो भेजेंगे, वो जाए या ना जाए वो बात की बात है। हम तो एक बार कहेंगे बेटा बिटिया अपने यहाँ कौन से धन की कमी है, कौन सी अपन को नौकरी करना है, कौन सा इंजीनियर बनना है, देख इतना व्यापार है, पढ़ रही है तो जा बेटा। बड़े आदमी के बेटे कह रहा हूँ, गरीब का तो बेचारा मान लो धर्म की पढ़ेगा तो नौकरी अच्छी मिल जाए, तुम तो बड़े आदमी हो, तुम्हारे बेटे को तो नौकरी करना ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा आदमी। उससे कहो बेटा पढ़ना ही है तो जाओ सांगानेर संस्थान की पढ़ाई करो और आकर के व्यापार करो, कुल उज्जवल हो जाएगा। जो तुम्हारा छोकरा कुल को मैं महाराज बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी कुल की इज्जत बनी रहे, वो बेटा तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं करेगा, वो बेटा तुम्हारे धन को बर्बाद नहीं करेगा। हमने ऐसे बाप और बेटे देखे हैं जिन पिताओं के पास करोड़ों की संपत्ति थी और बेटा व्यसनी निकला, सब कुछ बैठ कर खाकर रोड पे आ गया, तुम्हारी जिंदगी एक भाव भी नहीं चल पाई, सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद। और सांगानेर संस्थान में भेज दिया तो बुढ़ापे तक उस पिता की मौत बेटे की गोदी में होगी और बेटा घर में होगा और बाद में भी संस्कारवान होगा। यदि तुम बहुत यदि अच्छा कहा है तुमने तो, यदि अच्छा लगा है तो नीति है एक कि कोई भी चीज अच्छी लगती है तो तुरंत ही भाव आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अच्छा लगता है तुरंत भाव आना चाहिए, मैं ऐसा अच्छा कब बनूंगा, बाकी सब घड़ियाल है। भगवान को देख करके यदि आए, भगवान की पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी भक्ति करने का भाव करो, भगवान की खूब प्रशंसा करो, ये सब चमचागिरी है, बटरंगबाजी है, मक्खन पाले से तू महान है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू क्या कह, अरे गजब करते आप लोग, भगवान की भक्ति में आप लोग बहुत गजब बंधु, ये भक्ति नहीं है। जो तुमने गुणानुवाद किया ये भक्ति नहीं है। क्या भगवान जब इतना अच्छा है तो कभी ये भाव आया भगवान को देखकर, मैं भगवान कब बनूंगा। अच्छे सुनने की झनकार, महाराज का प्रवचन सुना, वो घंटा बजता है ना, घंटा बजने के बाद बंद हो जाता है, उसकी झनकार गूंजती है, ये प्रवचन का घंटा बज रहा है, कितनी देर इस झनकार झनकार रहेगी, पंडाल तक कितनी देर झनकार रहेगी कि महाराज ने क्या कहा, अभी भी वो मेरे कान में आवाज गूंज रही है। जब भगवान बोल महाराज बोल रहे थे तब नहीं, महाराज के बोलने के बाद भी क्या अभी भी तुम्हें प्रवचन सुनाई पड़ रहा है, क्या अभी भी कानों में आवाज आ रही गुरु की, कितनी देर तक आएगी, प्रवचन सुना तुमने कितनी देर तक वो आवाजें कानों में आती रहेंगी, सवाल उसका है, प्रवचन सुनने का सवाल नहीं, वो तो सभी सुन लेते हैं, उसके बाद कितनी देर सुनने में आ रहा है। अभी भी महाराज के सब मेरे कानों में गूंज रहे हैं, रास्ते में भी गूंज रहे हैं, घर पहुंच गए तो गूंज रहे हैं, दुकान पे बैठे तो ग्राहक आया, सेठ जी मैं कब से बैठा हूं आप सुन रहे, उस समय कहना मैं तेरी आवाज सुन ही नहीं पाया, मुझे महाराज के शब्द कान में गूंज रहे हैं, मेरे शब्द कान में गूंज रहे हैं और मैं उन शब्दों को सुन रहा हूं जो तेरी आवाज नहीं सुन रही। सोचो कभी ऐसा हो तो ओह मजा आ जाए। दुकान तक प्रवचन चला गया, अभी भी सुन रहा है, और यदि ये आवाज बढ़ते बढ़ते हैं, प्रवचन आज सुना है और जब मर रहे थे सबसे कहा चुप रहो, क्यों, मुझे महाराज के शब्द कान में गूंज रहे हैं, बेड़ा पार।
मंदिर में हमने इतनी अच्छी वाणी बोली, भगवान की भक्ति की, पूजा की, पाठ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, मुझे कोई संदेह नहीं। मंदिर में आके कोई गालियां नहीं बकता, मंदिर में आके कोई बुरा नहीं बोलता, मेरे सामने भी कोई बुरा नहीं बोलता, बहुत अच्छी बोलते हो, बहुत क्या, कितने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हो आप लोग, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। इस मुंह से तुमने इतना अच्छा शब्द बोला, प्रभु का नाम लिया, गुरु का नाम लिया, कितना बोलो, जिस मुख से भगवान का नाम निकलता हो वो मुख कितना पावन, गुरु का नाम निकलता है वो मुख कितना पावन, नवोकार मन कितना पावन, कल्पना करो। अब ये मुख कितनी देर पावन रह पाया, कितनी देर पावन रह पाया, कितनी देर। कई लोग भगवान के दर्शन करते करते लड़ पड़ते हैं, हाँ थारी मारी हो जाती है, भगवान के दर्शन करते पुस्तृति बोलते बोलते और कई एक मिनट बाद जैसे मुड़े सामने कहा सुनी हो गई, मंदिर के अंदर ही कहा सुनी हो गई, कहाँ रख पाए मन मुख में जो आवाज बोली थी वो उस मुख को पावन कितनी देर रख पाए। चलने दो महानुभाव, मंदिर के बाहर तक अभी भी मुख पावन है, सड़क तक, घर तक, दुकान तक, शाम तक, जिंदगी के अंतिम तक मुख पावन है, क्योंकि मैंने इस मुख से भगवान का नाम लिया था। अब इस मुख से गाली गंदी नहीं निकलेगी, ये मुख मेरा पावन हो गया, मैंने मुख से भगवान का नाम लिया है। और भगवान का जिसका नाम निकल जाए, समझ लेना वो मुख इतना पावन हो गया, अब इस मुख से गाली नहीं, अब इस मुख से गलत शब्द नहीं, क्योंकि अब कितनी देर आप इस मुख को पावन रख पाओगे वो फैसला आप पे छोड़ता हूं। अपनी अपनी गरीबान देखो कितने देर पावन, भगवान के चरण छुए कि नहीं, उस समय बोलो हाथ कितने पावन हैं, धोए थे, छू लिए, कैसा लग रहा है, मेरे आज धन हो गए क्योंकि आज मैंने प्रभु के गुरु के चरण छू लिए। होता है सबके, होते हैं सबके, अपने बड़ों को चरण छूकर सबके हाथ पावन हो जाते हैं। सवाल वही है, ये पावन हाथ कितनी देर पावन रह पाएंगे, कितनी देर पावन रह जाएंगे इन हाथ से, कोई कहे कि ये काम कर, नहीं नहीं मेरे हाथ पावन है, मैं ये पाप नहीं कर सकता। गंगा नहाने के बाद, शिखर जी की वंदना के बाद लोग क्यों कहते हैं कि नरक गति नहीं होगी, उसका मूल कारण है कि फिर व्यक्ति सोचता है नहीं अब मैं वो पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करके आया हूं, मैं गंगा नहा के आया हूं, अब वो पाप मैं 16 का हो गया हूं। 16 के कपड़े पहनने के बाद फिर व्यक्ति बचने का प्रयास करता है कि अशुद्ध के बीच में बैठता है, बचने के भैया मैं 16 के कपड़े पहना हूं। इसी प्रकार मैं मंदिर होके आया हूं, 16 के होके आया हूं, मेरा मन पवित्र हो गया, मेरी आंखें पवित्र, मेरे कान, मेरा मुख, मेरे हाथ, मेरे पैर, सब कुछ पवित्र हो गया हूं। अब मैं गंदे रास्ते पे नहीं जाऊंगा, अब मैं गंदे लोगों के बीच में नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को 16 का पावन कर पाया हूं। इतनी देर झनकार आपके पास, हर चीज में फैसला यही करना, अच्छे लोगों का संस्कार तुम कितनी देर, पहले तो तद्रूप होने का भाव आया कि नहीं, आया तो वो भाव कितनी देर टिक पाया। और जो दूसरा प्रश्न कह रहा था कि यदि किसी पुण्य के कारण से तुम धर्म से वंचित रह रहे हो, कांप जाओ, कांप जाओ, दुर्गति निश्चित हो चुकी है, क्योंकि आज मेरे लिए प्रकृति ने मुझे पानी पिला पिला कर मारने का निश्चय कर लिया है। प्रभु ने मुझे, मैं वो पापी हूं जो मुझे पानी पिला पिला के मारा जाएगा, इतना पुण्य, इतना वैभव दे दिया जाएगा कि हम किसी को गिनेंगे ही नहीं, कर जम के पाप कर, भगवान को उठा के फेंक दे, क्योंकि तेरे दे, जब तक वो गुनाह नहीं करेगा तो सजा कैसे मिलेगी, सजा कैसे मिलेगी, क्योंकि गुनाह करेगा तभी तो सजा मिलेगी, तो गुनाह करने के लायक उसको ताकत तो दो, ताकत तो दो, ताकत नहीं देगा वो गुनाह क्या करेगा,
ये पॉलिसी तुम भूल गए, ये पॉलिसी तुम भूल गए कि प्रकृति का बहुत बड़ा अभिशाप है कि इसको इतना दो कि जब भी वो पाप करना चाहे तो किसी कारण से ना कर पाए, तुरंत करे, पाप करेगा तभी तो हम इसका नुकसान पहुंचाएंगे, तभी तो नरकों में पाड़ेंगे। आज तक कोई भिखारी नरक नहीं गया, सब बड़े बड़े लोग जाते नरक। व्यवहारम परिग्रह तुम, गरीब के बहुत परिग्रह है कि अमीर के? हाँ, गरीब को क्या उसके पास है ही नहीं, वो करेगा क्या, कितना सा भाव करेगा, अमीर ज्यादा। इसलिए कहीं तुम्हारी अमीरी तुम्हें पाप की तरफ तो नहीं ले जा रही है? दो मिनट में समाप्त करता हूं, सूत्र बनाए, मंत्र बनाए, कहीं हमारी अमीरी हमें पाप की तरफ तो नहीं ले जा रही है? कहीं हमारा शरीर की स्वस्थता पाप की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं? बस इतना सा सोचना, यदि ले जा रहे हो सावधान। दूसरा पॉइंट, कहीं अमीरी से आने से मैं धर्म से दूर तो नहीं हो गया? गरीब था तब तो धर्म में था, कहीं अमीर से दूर तो नहीं हो गया मैं इधर से? इतना व्यापार चल रहा कि आजकल मंदिर ही नहीं जा पा रहा हूँ, इतना व्यापार चल रहा है कि प्रोशन में ही नहीं जा पा रहा हूँ, इतना व्यापार चल रहा है कि मुझे धर्म करने का समय ही नहीं मिल रहा, इतना व्यापार चल रहा है कि मैं परिवार के साथ बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, इतना व्यापार चल रहा है कि मैं रोटी भी नहीं खा सकता। मौन होकर सावधान, सावधान, क्या कर रहे थे तुम? रोटी खा रहे थे, और उसी समय फोन आ गया और करोड़ों का मामला है। मानुआ उस दिन मेरा वचन याद करना, किस समय फोन आया है? सावधान, रोटी भी नहीं खाने देगा ये, रोटी भी नहीं खाने देगा? नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, करोड़ों जाए करोड़ों बने, जब तक मेरा रोटी खाऊंगा, काहे के लिए कमाया है, जब तक मैं रोटी खा रहा हूं तब तक मैं दुनिया की कोई बात नहीं सुनूंगा, मेरा त्याग है, मेरा मौन है, बस समझ लेना। ठुकरा दिया आपने, अन्यथा वो जो मैंने पहले बात की थी, ये रोटी भी साता से नहीं खाते, कितने मूर्ख हैं, काहे के लिए कमाया, अरे दो रोटी तो शांति से खा ले। कई लोग कहते महाराज मेरा इतना धंधा चलता मुझे समय ही नहीं मिलता शाम को भोजन करने का, भोजन ही नहीं कर पाते, रखा रहता है टिफिन, क्या जिंदगी है तेरी, किसने कमाया कि दो टाइम रोटी भी साता से नहीं खा पा रहा? यही तुम्हारे विनाश का कारण है, जब तुम्हारा पुण्य तुम्हें रोटी न खाने दे, तुम्हारा पुण्य परिवार के साथ बैठने का समय न दे, तुम्हारा पुण्य तुम्हें मंदिर आने का समय न दे, तुम्हारा पुण्य कभी गुरु के पास आने का समय न दे, तुम्हारा पुण्य नोटों को गिनने में इतने नोट आ जाए कि एक माला भी फेरने का समय नहीं मिले, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो गए हैं और तुम्हारा अशुभ होना, नाश होना निश्चित है। मैंने एक मोटिवेशन दिया, एक सूत्र दिया, इन दो बातों को लेकर के अपने पुण्य से सावधान रहना, अशुभ कर्मों से नहीं, अच्छे दिनों से जो तुम्हारे धन वैभव, गरीब से नहीं अमीर से कह रहा हूं, सावधान, इस अमीरी पर जाके तुरंत उठो और भगवान के दरवाजे पहुंचो, भगवान क्या गलती हो गई, इतना व्यापार चल रहा है कि मैं तेरे पास तक नहीं आ सकता हूं, जरूर मेरे से गलती हुई है, ये आपसे दूर करने का ये तरीका है आपका, ये तरीका है आपका दूर करने का, एक तो अशुभ कर्मों से दूर कर देते हो और एक पुण्य कर्म से, ये तरीका है दूर करने का। लो भगवान मैं नियम लेता हूं, इतने बजे मैं आपका दर्शन करने आऊंगा, कौन पुण्य है, कौन दुकानदार है, कौन व्यापार है जो मुझे धर्म करने से रोक सकता है? भगवान आपने तरीका निकाला था कि मुझे व्यापार में व्यस्त व्यस्त कर दो, जिससे मैं अपने आप मंदिर नहीं आ पाऊंगा, गुरु के पास नहीं आ पाऊंगा, ये पकड़ो। पापी लोग ही क्षमा मांगते फिरते हैं, हे भगवान मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत गरीब आते मेरे पास,
महाराज जी आप क्षमा करवा दो मेरे भगवान से, मैंने गलती की होगी, पाप किया होगा, अब मैं गलती की क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अमीर नहीं आता है कि वो गुरुदेव भगवान से क्षमा करा दो, मंदिर ही नहीं आ पा रहा हूँ आजकल, इतनी दुकान चल रही है, जरूर मेरे से गलती है, महाराज क्षमा करवा दो। मैं नियम लेता हूँ कितने भी अमीरी आ जाए मैं अपने आप को बिगड़ने नहीं दूंगा, कितनी भी बुरी संगति आ जाए प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओम शांति, महावीर भगवान के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन फर्म, भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर, श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भवरबाई पुत्रवधु, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधु, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधु एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधु एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में माँ श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।